पंच तत्वों के जड़ शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा परम धाम से आई हूं, इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए। मैं जब परम धाम में थी, संपूर्ण पवित्र थी, सभी पहुंच जाएं एक सेकंड में साकार लोक से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, सुनहरे लाल प्रकाश वाले लोक में देखें, तीसरे चक्षु से स्वयं के अनादि स्वरूप को। परम धाम में मैं पवित्र सितारा चमक रहा हूं। मैं पवित्र सितारा परम धाम घर को छोड़कर साकार लोक की ओर आया पाठ बजाने के लिए। चौरासी जन्मों का पाठ बजाने के पश्चात मैं आत्मा सितारा अपवित्र हो गया। मेरी चमक कम हो गई। प्यारे शिव बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई हे आत्मा, तुम्हारा अनादि स्वरूप पवित्र है। स्वयं के अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं पवित्र आत्मा हूं। मेरा आदि स्वरूप मेरे सामने है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का रूप, कितना सौम्य रूप है। अंग अंग में पवित्रता समाई हुई है। सिर के चारों ओर पवित्रता का प्रभामंडल है।
यह दैवी स्वरूप मेरा ही तो है। मुझसे आधे फुट की दूरी पर है। मैं अपने इस देव स्वरूप में समा जाती हूं। मैं स्वयं के देवता रूप का अनुभव कर रही हूं। मैं पवित्र दुनिया की मालिक हूं। चारों ओर पवित्रता का वायुमंडल है। मेरा मन पवित्र, मेरी काया पवित्र, मेरे सर्व संबंध संपर्क पवित्र हैं। सभी देवी देवताओं के चेहरे पर पवित्रता की मुस्कुराहट है। दृष्टि में पवित्रता समाई हुई है। एक एक अंग पवित्रता की सुगंध से महक रहा है। मेरा आदि स्वरूप कितना शोभनीक है। मेरे आदि संस्कार संपूर्ण पवित्रता के हैं। मैं अपने भविष्य देव स्वरूप से पुनः स्वयं को ब्राह्मण स्वरूप में देखती हूँ। मैं एक ही आत्मा हूँ। मेरे दो चोले हैं, ब्राह्मण चोला और भविष्य देवताई चोला।
बाप दादा की दृष्टि मुझ पर है, बाप दादा मुझे पूज्य स्वरूप में देख रहे हैं। मैं जहां की नूर हूं, मेरे द्वारा इस अंधकार में सृष्टि में पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। मैं आधार मूर्त हूं, मेरी चढ़ती कला से पूरे जहान की चढ़ती कला होती है। मेरे सामने बेहद विश्व ग्लोब है। मेरे मस्तक से पवित्रता की अनंत किरणें विकीर्ण होकर संपूर्ण विश्व ग्लोब पर फैल रही है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। सारे जहान को पवित्र बनाना यह जिम्मेवारी बाप दादा ने मुझे दी है। कुछ समय के लिए सभी स्वयं के संपूर्ण पवित्र स्वरूप का अनुभव करें। अनुभव करें पवित्रता के प्रकंपन संपूर्ण जगत में प्रवाहित हो रहे हैं।